नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि खाना कैसे बैठ के खाना चाहिए। खड़े खड़े खाना चाहिए, घूमते हुए खाना चाहिए या टहलते हुए खाना खाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए। दोस्तों, खाना खाने का सही चीज़ देखिए, राइट वेज टू ईट फूड। खाना खाने का क्या सही तरीका है दोस्तों, हम लोग इसके कारण भी बहुत सारी परेशानी में आ जाते हैं दोस्तों, कि खाने खाने का तरीका भी हमें नहीं मालूम है। हमारे गार्जियन ने तो हमें सिखाया, शायद हम लोगों ने फॉलो नहीं किया मॉडर्न बनने के कारण। मॉडर्न बनने का तरीका रहा तो टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो टेबल कुर्सी को भी छोड़ दिया, बहुत सारे होटल में सिर्फ एक स्टैंड जो है बना हुआ है और खड़े खड़े आप खाते हैं, आपको बैठने की भी जगह नहीं है। और होटल में तो टेबल और कुर्सी है ही जो आप देखते हैं। तो दोस्तों, खाना खाने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों, ये खाना खाने का सही तरीका नहीं है। हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तो आपको मालूम है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है दोस्तों। तो खाना खाने के लिए का जो सही तरीका अगर नहीं अपनाएंगे तो उसका भी असर हमारी जिंदगी पे पड़ता है, हमें पता नहीं चलता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, कोई गुटखा खाता है या सिगरेट पीता है या दारू पीता है, वाइन पी का इस्तेमाल करता है, ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, तो एट प्रेजेंट तुरंत का तुरंत उसे पता नहीं चलता। उसके लिए कुछ टाइम के बाद उसे पता चलता है कि उसका ये फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो सेम खाना खाने में भी है, हमें जो आज सारी परेशानी हो रही है, गैस है, एसिडिटी है, खाना का इंडाइजेशन है, बॉडी में चर्बी बढ़ रही है, हम नहीं भी खा रहे हैं, भूख कम लगना है, नींद कम लगना है, परेशानी ज्यादा होनी है, टोटल तो डिपेंड आपके खाने पे ही डिपेंड करता है कि खाना आप कैसे खाते हैं। इससे पहले मैंने वीडियोस दे दिया कब खाएं, क्या खाएं और कैसे खाएं, दे चुका हूं, नीचे लिंक जो है आप देख लीजिएगा। आगे दोस्तों, मैं अभी ये बताने वाला हूं आपको, तो बहुत से लोगों को मेरे पास जो आए, हमारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि खाना कैसे बैठ के खाया जाए। वो टहल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, खाते हुए जा रहे हैं, गाड़ी पर बैठे हुए खाते ही चले जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग दौड़ रहे हैं और खा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास खाना खाने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों, ये कोरोना के टाइम में तो सारी चीजें बंद हो गई है, अब अंदाजा इससे लगाइए कि आपके पास खाने का टाइम नहीं है, आप दौड़ते हुए खा रहे हो, चलते हुए खा रहे हो, कहीं भी होटल में ले लिया, कहीं से उठाया खा लिया। तो दोस्तों, खाने का ये सही तरीका नहीं है। खाने का क्या सही तरीका है और कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, सेकंड क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, कुछ पेशेंट के लिए इसके ऑप्शंस अलग हो सकते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन नहीं तो नॉर्मल सारे लोगों के लिए जो खाने खाने का सही तरीका है, जो हमारे पूर्व से चला आ रहा है, और डाइजेशन की क्रिया होती है वो क्यों होती है, उसका क्या साइंटिफिक रीजन है दोस्तों, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो सबसे पहले ये, आप लोग अपनी आदतों में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करें। क्यों? कि जैसे उठते बैठते खाते पीते ना रहे, खाना खाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो क्या है, जो आप एक बैठने का जो तरीका है वो बताता हूं। ऐसे हमारे बुक में आया है, बहुत सारी चीजों में आया है, जो बंदर जैसे बैठता है बैठ के खाता है ऐसे है, या आप और भी बहुत सारा तरीका है। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों पैर को नीचे रख के ऐसे करके बैठ के ये खाना खाने का सही तरीका है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये खाना खाने का तरीका है दोस्तों। ये तरीका में अगर आप खाना खाइएगा तो आपको अनडाइजेस्टेबल मतलब खाना अपच नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से पचेगा, और साथ में आप लिमिट में ही खाइएगा, चाहे आप कितना भी खाइए दोस्तों। उसका एक रीजन क्या है दोस्तों, अब ऐसे बैठने का फायदा क्या है, तो मैं एक एक्यूप्रेशर के हिसाब से बताता हूँ दोस्तों। एक्यूप्रेशर में क्या है, ये नीचे बैठा था, ये हमारे सारे ऑर्गन्स दब रहे हैं, इसमें सारे ऑर्गन्स में काम कर रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया। इसके अलावा ये सारा पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा हार्ट है, लंग्स है, और दोस्तों ये जो पार्ट है हमारा, दोस्तों देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये हमारा लीवर, कोल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी चीजें इस जगह पे है, सेम इसी साइड भी है दोस्तों, और ये यहाँ पे ये, जब हम ऐसे करके बैठते हैं तो ये सारी क्रियाएं हमारी सारे सारे में प्रेशर होता है। एक प्रेशर तो ये प्रेशर ही है ना दोस्तों, जो हम लोग करते हैं पॉइंट दबाते हैं। तो खाने के टाइम में, तो खाने के टाइम में ऑलरेडी शरीर को सबसे ज्यादा मेहनत कब करनी पड़ती है दोस्तों, इस बातों को ध्यान दीजिए। खाने के टाइम में सबसे ज्यादा एनर्जी हमारा कब लॉस होता है, खाना खाने के टाइम में दोस्तों,
तो ऐसे करके बैठे और ये यहाँ पे ही बैठे हुए हैं। अब हम खाना निकाल के खा रहे हैं दोस्तों, लिया खाया फिर वेट किए, फिर लिया खाया फिर वेट किए, फिर लिया खाया वेट किए। तो दोस्तों दूसरी बात कि हमारा यहाँ का जो स्टोमक है वो भी दब रहा होता है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों। तो खाना हम उतना ही खाएंगे, कितना भी खाएंगे हमारा पेट फुल हो जाएगा और एकाध रोटी के लिए हमारे पास जगह रहेगी। तो यही बोला गया है कि खाना जब भी खाएं पेट भर के खाएं, लेकिन थोड़ा सा एक थोड़ा सा जगह खाली रहना चाहिए, इनडाइजेशन मतलब अपच आपका ना हो, इस बातों का ध्यान रखें दोस्तों। तो खाना खाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। इसके अलावा खाना खाने का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। अगर बहुत सारे लोग जो हेल्दी हैं नहीं बैठ पा रहे हैं, नी का प्रॉब्लम है, नी में घुटने में दर्द है, काफ़ी बैठने में उसे तकलीफ हो रही है, तो वो कैसे खाएंगे? तो दूसरा, ये पहला और सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर इस तरीके से आप खाना खाएंगे तो 100% बीमारी से बचे हुए रहिएगा और आपको कभी पेट से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी दोस्तों, इस बातों का ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका है, ये है सुखासन, ये पालथी मार के खाना खाना ऐसे, ये नीचे आया ये जाया। अब ये देखिए इस क्रिया में भी क्या होता है दोस्तों, इस क्रिया में भी ऐसे करके बैठ के खाना खाते हैं। अब मैं इसका बताऊंगा कि इस क्रिया का क्या फायदा, ये लिया बैठा खाया, लिया खाना खाया दोस्तों। तो इस क्रिया में खाना खाने का फायदा क्या है? तो दोस्तों इसमें भी लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं ऐसे, ऐसे नहीं खाना है दोस्तों, इस बातों का इस्तेमाल करें कि खाने खाने का तरीका ये नहीं है, इसमें दब रहा है यहाँ पे, ये ऐसे बैठे, तो ये ओपन, ये पूरा फुल ओपन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना ये रहा, ऐसे करके लिया खाया, ऐसे गर्दन झुकाया, बहुत से लोग ऐसे करके झुक के ऐसे करके खाते हैं, नहीं ये गर्दन ये ऊपर आ निवाला लिया खाया, चबाते रहे फिर लिया खाया चबाते रहे, इस तरह से। तो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड सही होना चाहिए दोस्तों। तो खाने का ये तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ का जो पार्ट है एनिमल कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से, यहाँ पे हमारा लिवर एंड गोल ब्लैडर और सारी चीज़ें हैं, इस साइड स्टोमक स्प्लीन और पेनक्रियाज है, और ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ और यहाँ ये हमारा हार्ट का पॉइंट है, ये यहाँ पे स्टोमक स्प्लीन और पेनक्रियाज, ये और ये यहाँ पे दोस्तों, जब इसको मोड़ते हैं ये फोल्ड हो रहा होता है, ये देखिए दोस्तों ये आपके सामने में, ये कोई मैंने चीज़ नहीं बताया, इससे पहले मैंने सारे वीडियोज दिए आर्म से लेकर कॉरेस्पॉन्डेंस में, जिसमें जाके आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बताया कि अपने पाँव में कैसे आपके सारे ऑर्गन्स हैं, और ये बैठ के खाते हैं। इसके जो लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इसके अलावा जो आपका खाना खाने का जो भी क्रिया है वो उचित नहीं है, चाहे आप खड़े होके खाइए, चाहे घूमते हुए खाइए, चाहे किसी तरीके से खाइए दोस्तों। उसी तरह से पानी पीने का जो आपका सही तरीका है वो या तो ऐसे बैठ के पीजिए, और इससे अच्छा तरीका है कि आप जैसे खाना खाते हैं इस तरीके में बैठ के पानी पीजिए दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। फर्स्ट, अगर आपको हेल्दी रहना है इस नियम को बनाइए, इस नियम को ढालिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे नी का जिन्हें प्रॉब्लम है वो ना ऐसे बैठ सकते हैं ना ऐसे बैठ सकते हैं, तो उन्हें तो टेबल कुर्सी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। तो उनको बोलिए कि मैक्सिमम योगा करें खाने के इस स्टाइल में, अगर नहीं बैठ सकते तो उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो योगा करें चले फिरे और इस पॉइंट्स को दबाएं। तो खाने के वक्त में जब आप बैठे रहते हैं तो ये क्रिया 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट खुद ब खुद डाइजेस्टिव सिस्टम को दबाते रहता है, पॉइंट दबता रहता है और आप फ्री होते रहते हैं। इस दो तरीके के अलावा कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं दोस्तों, ये तरीका गलत है। कुछ लोग पद्मासन पे बैठ के खाते हैं दोस्तों, ये तरीका भी गलत है। कुछ लोग ऐसे बैठ के खाते हैं दोस्तों, ये तरीका भी गलत है। कुछ लोग वज्रासन पर बैठ के खाते हैं, नहीं ये खाने के बाद वज्रासन पे आप ऐसे बैठ सकते हैं दोस्तों, इस बातों का ध्यान रखें। तो ये तरीका खाने का, और जो आ गए नीचे बैठ गए एक पाँव ऐसे करके खाया, ऐसे लेते हैं ये खा रहे हैं आजकल तो लोग, लेट के खाना का स्टार्ट कर दिए, मुंह में डाल दिया ऐसे करके देख रहे हैं टीवी खा रहे हैं, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको नुकसान करने वाला है, खाना जितना फायदा नहीं करेगा उससे ज्यादा नुकसान करेगा। तो दोस्तों खाना खाने का यही दो तरीका है, एक ही तरीका सबसे अच्छा है जो मैंने बताया, अप्लाई कीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका आप अप्लाई कीजिए। ये दो तरीके के अलावा आप जिस पोजिशन में खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट सही से नहीं होता है, वो उसके कारण ही आपको परेशानी है। अब बोलिएगा मैं इतने बरसों से खा रहा हूँ मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तो दोस्तों परेशानी स्टार्ट नहीं हुई है जब तक, उस वक्त तक आप लकी हैं। जिस दिन एक बार परेशानी स्टार्ट हो गई तो फिर आपके साथ ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, और उसके बाद आप लाखों रुपए की दवा कर लीजिए, कुछ फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों, आपको परेशान होना ही है। तो पूरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये चाहिए इसलिए मैंने देने की कोशिश किया है, तो दोस्त इसका इस्तेमाल कीजिए।
दूसरों से शेयर कीजिए, ये कॉमन चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, और इसे अपना के अपने आप को स्वस्थ करें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।